हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। लक्ष्मी जी का अखंड दीपक किस प्रकार जलाया जाता है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दिवाली पर अगर आप धनतेरस से लेकर भाई दूज तक अगर लक्ष्मी जी का अखंड दीपक अपने घर में जलाते हैं, जिसे लक्ष्मी दीपक के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे जो है ना आपके घर में बरकत होती है, धन संपत्ति से आपका घर भरा रहता है। और ये दीपक जो है ना हमें ज़रूर जलाना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के घर में ये जलता भी है, जैसे कि मेरे घर में भी हम लोग हमेशा जलाते हैं, धनतेरस से शुरू करते हैं और भाई दूज तक ये दीपक जलते रहता है। तो क्या करना है आपको, जिस जगह आप लक्ष्मी जी की यानी दिवाली की पूजा करने वाले हैं उस जगह इस तरह से जो है ना स्वास्तिक बना लीजिए। आप चाहें तो बढ़िया सी रंगोली भी बना सकते हैं, लेकिन रंगोली का ऐसा रहता है कि इतने दिनों तक जो है ना टिकती नहीं है, बिगड़ जाती है। तो इस तरह से रोली से अगर आप स्वास्तिक बनाओगे तो ये जो है ना एकदम सही रहता है। इसके बाद जो है ना आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं। चावल आपको एक मुट्ठी ही लेनी है, तो मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी चावल लिए हैं और खूब सारे चावलों से आप चाहें तो नीचे अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। आप चाहें तो केवल एक मुट्ठी चावल जो है ना इस तरह से आप रख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी के जो कोरा दिया होता है, बड़ा वाला दिया आपको लेना है। छोटा दीपक नहीं लेना है, बड़ा वाला दीपक जिसे हम सरैया कहते हैं। तो मेरे पास ये बड़ा वाला दीपक है, इसको इस तरह से मैं चावलों के ऊपर विराजमान कर दूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, लक्ष्मी दीपक जो है वो तिली के तेल से ही जलता है। आप यहाँ पर घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन तिली का तेल जो है ना आपको रीजनेबल मिल जाएगा और 5 दिनों तक आपको कंटिन्यू जलाना है तो ये जो है ना सही रहेगा। और चार मुखा दीपक ही जलाया जाता है। चार मुखा दीपक इसलिए जलाया जाता है ताकि चारों दिशाओं से जो है ना लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करें। तो चार दिशाओं का चार मुखा दीपक जो है ना आपको जलाना है, और वो भी अखंड जलाना है। तो इसमें जो है ना तिली का तेल सर्वश्रेष्ठ है, बढ़िया है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो चार बातियां इस तरह से आप बना लीजिए और इन बातियों को आप तिली के तेल में कम से कम 1 से 2 घंटा पहले जो है ना भिगो दीजिएगा, ताकि ये दीपक जो है ना जलने में बिल्कुल भी दिक्कत ना करें। क्योंकि दीपक अगर बीच में बुझ जाता है ना तो मन थोड़ा सा हमारा अशांत हो जाता है। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही दीपक भरा है, आपको इसको पूरा भर देना है तो ये बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। एक बार आप दीपक भर दीजिए, एक दिन ये बढ़िया से जलता है। मैं हर साल जलाती हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपके जो घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, जैसे कि हमारे घर में सबसे बड़े हमारे पंडित जी हैं, तो पंडित जी जो है ना इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं और इसमें जो है ना एक कौड़ी डाली जाती है। इस तरह की कौड़ी होती है जिसे लक्ष्मी कौड़ी कहते हैं। तो उल्टी कर जो है ना आपको ये कौड़ी डालनी है, थोड़ी सी खीले इसमें डालनी है और इस दीपक को जो है ना आपको पूजन करना है। लक्ष्मी जी की आराधना के लिए जो है ना ये दीपक जलाया जाता है। चारों दिशाओं में इसी तरह से ये दीपक जलते रहना चाहिए, ताकि चारों दिशाओं से जो है ना लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश जरूर करें। तो इस तरह से जो है ना किया जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता बिल्कुल साजा होना चाहिए, कहीं से कटा फिटा बिल्कुल भी ना होना चाहिए। और हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा में मिश्री और पान का पत्ता जो है ना बहुत प्रयोग किया जाता है। तो इस पान के पत्ते के ऊपर आपको थोड़ी सी मिश्री रखनी है, ताकि चारों दिशाओं से कहीं भी अगर लक्ष्मी जी होकर अगर गुजरती हैं तो इस पान के पत्ते को और मिश्री को देखकर आपके घर में आकर्षित जरूर हो जाएंगी। इसके बाद एक आपको फूल रखना है। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो आप कमल का फूल इस जगह जरूर रखिएगा। अगर नहीं मिलता तो आप गुलाब का फूल भी जो है ना रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना लक्ष्मी दीपक जलाया जाता है। कब से शुरू किया जाता है, धनतेरस से रात में जब आप कुबेर भगवान की पूजा करते हैं तब से आप इस दीपक को जलाइएगा, और दूज तक जो है ना ये दीपक जलते रहना चाहिए। उसके बाद इसमें तेल या घी डालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बुझाना नहीं है। फिर भी अगर इसमें तेल घी बचा हुआ है तो इसको जलते रहने दीजिएगा, और कम से कम 5 दिनों तक इस दीपक की आपको देखभाल करनी है ताकि बीच में कहीं बुझ ना जाए। मिलेंगे आपसे सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। इस दीपक को अपने घर में आप ज़रूर जलाइएगा। इस दीपक को जलाने से आपके घर में लक्ष्मी जी जरूर प्रवेश करेंगी। इसे कहते हैं बरकत का यानी लक्ष्मी दीपक। राधे राधे, जय श्री राधे।